हेलो एवरीवन, ये बीएससी सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर है। 2021 में ये पेपर हुआ है। वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी पूर्वांचल जौनपुर का पेपर है। ये फिज़िकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र करके है। ये पार्ट फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट पेपर है ये बीएससी सेकंड ईयर का। आपके सामने ये पेपर है, जैसा कि आप देख सकते हैं टाइमिंग 1.5 घंटे की दी गई है और मैक्सिमम मार्क्स आपको 50 है। ध्यान देने वाला है बात ये है फ्रेंड्स कि कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ है और इसमें सारे पैटर्न क्वेश्चंस के चेंज हो गए हैं, तो हो सकता है कि आपके यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही पेपर आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन ए में दे रहा है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, सारे पार्ट्स को आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चंस आप देखिए फ्रेंड्स, 40 वर्ड में इनके आंसर करने हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन एनी टू कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस। सस्टेन इंटरफेरेंस होने के लिए दो हमारे पास कंडीशन को लिखने हैं। दूसरा है, व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के डिवीजन होने से क्या मतलब है। तीसरा क्वेश्चन है, अ डिफ्रेक्शन पैटर्न इज ऑब्टेंड यूजिंग अ बीम ऑफ रेड लाइट, व्हाट हैपेंस इफ रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट। तो आपको ये बताना है कि डिफ्रेक्शन पैटर्न पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम रेड लाइट को ब्लू लाइट से रिप्लेस कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन रेली क्राइटेरियन फॉर रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन के लिए रेली क्राइटेरियन को एक्सप्लेन करना है। 40 वर्ड्स में आपको इनके आंसर देने हैं, ये आपको इंस्ट्रक्शन पहले पता होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन सही है। मेंशन टू एडवांटेजेस ऑफ कॉनकेव ग्रेटिंग और प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेव्स विच हैव इंटेंसिटीज इन द रेशियो 9:1 प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, कैलकुलेट रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी फॉर देम। फ्रेंड्स, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, बिल्कुल हुबहू क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है, तो आपको इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तैयार किया है तो। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड इमिशन को आपको एक्सप्लेन करना है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम अनपोलराइज्ड लाइट। आपको ये क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉजिटिव क्रिस्टल, पॉजिटिव क्रिस्टल क्या होता है, गिव वन एग्जांपल, और एक एग्जांपल भी देना है। इफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेजर लेवल इज 0.117 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लेजर लाइट। ये पेज नंबर 3 है, आप देख सकते हैं। इसके बाद पेज नंबर 5 आ गया, ये मिस्टेक हो गया है पीडीएफ को तैयार करने में। फिर पेज नंबर 4 आपका यहाँ पे है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं ये। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, किन्हीं 3 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने हैं। 150 शब्दों में इनके आंसर इसके आसपास में आपको करना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हेडिंगर्स फ्रिंजेस, एक्सप्लेन देयर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड बीम इंटरफेरेंस, सॉरी व्हाट इज मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस, डिस्कस इन ब्रीफ द फ्रिंज फॉर्मेशन इन फोबराई-पेट्रोट इंटरफेरोमीटर। नेक्स्ट है, अ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 500 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली इन अ प्लेन ग्रेटिंग हैविंग 10,000 लाइंस पर सेंटीमीटर, अ लेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज यूज्ड टू ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम ऑन द स्क्रीन, कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन टू लाइंस इन सेंटीमीटर इन फर्स्ट ऑर्डर। सो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स, ये पेज नंबर 4 है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 5 पे। हाँ, पेज नंबर 5 पे आपका 5th क्वेश्चन है, ऑप्टेन एक्सप्रेशन फॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप एंड एक्सप्लेन व्हाई डू गुड टेलीस्कोप्स हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लार्ज अपर्चर। 6th क्वेश्चन है, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ निकोल प्रिज्म। फ्रेंड्स, आपको इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन करने थे, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। डिफाइन स्पेसिफिक रोटेशन, कैलकुलेट थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेन ऑफ वेवलेंथ 6,000 एंगस्ट्रॉम इफ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस फॉर ई रेस एंड ओ रेस एंड 1.543 एंड 1.533 रिस्पेक्टिवली। फ्रेंड्स, इसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने थे और 3 क्वेश्चंस इसमें से काफ़ी आसान है। कुछ अगर आपको डिफिकल्ट लगते भी हैं तो 7 में से 3 करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। पेज नंबर 6 पे आपके लिए सेक्शन सी है, अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन करना है और जिसको 400 शब्दों के आसपास में आपको लिखने हैं और वो 12 मार्क्स का है। 8वां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन इन्वर्जन, हाउ इट इज अचीव्ड इन HENE लेजर, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ HENE लेजर विथ अप्रोप्रिएट एनर्जी लेवल डायग्राम। व्हाट इज मीन बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिस्कस फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस
इन थिन फिल्म बाय रिफ्लेक्शन एंड फाइन कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। नेक्स्ट है, तीन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तीन में से कोई एक करना है। ये भी आपके लिए काफ़ी आसान क्वेश्चन हो सकता है अगर आपको आपने कुछ भी पढ़ा होगा तो, क्योंकि तीन में से एक सेलेक्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पेज नंबर 7 यहाँ पे है, इनफैक्ट चार क्वेश्चन है फ्रेंड। डिस्कस द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन डबली रिफ्रैक्टिव क्रिस्टल, हाउ आर ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज डिफाइंड, ड्रॉ द ई रे एंड ओ रे वेव फ्रंट इन केस इन विच द ऑप्टिक एक्सेस इज पैरेलल टू द सर्फेस टू द क्रिस्टल ऑन विच बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन्स एंड सो दैट एरिया ऑफ ऑल द फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन्स आर नियरली द सेम। अच्छे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, ना ही ज़्यादा डिफिकल्ट हैं और ना ही ज़्यादा आसान है, लेकिन 1.5 घंटे का पेपर है तो आपको चॉइस आपके लिए अच्छा दिया गया है। बहुत सारे पेपर में ऐसा होता है कि और दो क्वेश्चन होते हैं और करके या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए, लेकिन यहाँ पे आपके लिए 3-4 या फिर ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं और वहाँ सिर्फ एक करना है, तो यहाँ से चॉइस आपके लिए ईजी हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगर आगे कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो आपकी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और साथ ही साथ मुझे हेल्प भी हो जाए थोड़ा सा। और फ्रेंड्स, आगे ऐसे ही आपके लिए हम बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस लाते रहेंगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।